सब्सक्राइब कीजिए की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल को ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। अगर आपको एकदम अच्छे रियलिस्टिक प्रोफेशनल आउटपुट निकालना सीखना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D Max, V-Ray और फोटोशॉप। और इस कोर्स में आपको मिलेगा आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और आपको ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन से आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको सीखना है सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माय टेक्निक्स विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। ओके, सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी हमको इंटीरियर बनाना हो या एक्सटीरियर बनाना हो, उसके पहले हमको रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। और जनरली हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? लेट्स से हम पिंटरेस्ट से लेते हैं या कोई अच्छे साइट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनस्प्लैश से लेते होगे या तो यहाँ से लेते होगे। जस्ट यू विल टाइप इंटीरियर डिज़ाइन, हमने डाल दिया। ओके, तो ये अपना रेफरेंस होता है जनरली, ठीक है, कि अपने को समझो बाथरूम बनाना है तो कैसे बनाना है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, हम ऑफकोर्स रेफरेंस लेते हैं। बट होता क्या है, जब भी हम बनाते हैं ना, जैसे 3D Max में हमको कुछ बनाना है, तो अगर मैंने कुछ 3D Max स्टार्ट किया तो वो मेरा विंडो नहीं दिखता है और वापस मुझे यहाँ पे आना है, देखना है और फिर वापस 3D Max में टॉगल करना है, ठीक है। तो ये पुरानी है, मतलब ये स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है। एक टूल है कि जिसमें अपना स्ट्रेस कम हो सकता है, ठीक है। तो लिटरली हम यहाँ पे जो ये जगह है, जो अपनी ये थोड़ी जगह है या तो व्यूपोर्ट की जगह है, यहाँ पे छोटी जगह है, वो हम उतना छोटा करके रख सकते हैं, जो मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम है प्योर रेफ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ PURE PURE REF। ओके, सो बेसिकली ये रेफरेंसिंग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो आर्टिस्ट के लिए, मतलब जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट कभी भी कुछ बनाता है ना, तो किसी भी एक चीज़ का वो रेफरेंस लेता है। चाहो तो आप फोटोशॉप में कुछ बनाओ या 3D में कुछ बनाओ या क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब अगर आप रंगोली भी बनाओगे ना तो भी आपको एक छोटा रेफरेंस लगता है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए स्पेसिफिकली अपने 3D वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल मुझे मिला है। इवन दो पहले मैं इसको यूज़ नहीं करता था, हाल ही में मैंने इसको डिस्कवर किया है और देखा है कि ये चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओके, सो यहाँ पे कीजिए गेट प्योर रेफ, तो आपका ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन है, यू जस्ट गेट द इंस्टॉलर, कौन सा बिट का है। जनरली अभी सब 64 बिट यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सीधा नीचे आ जाओ और यहाँ पे कस्टम अमाउंट पे डाल दो 0 और ये फ्री टूल है और यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो कैसा दिखेगा मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेट्स से PURE PURE REF, ठीक है, कुछ इस तरह से उसकी विंडो दिखेगी। ओके, अब मैंने जो कुछ भी रेफरेंस लिया है वो उसको मैं पहला लोड करता हूँ। ऐसे राइट क्लिक, यहाँ से लोड रीसेंट करता हूँ। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से लोड करता हूँ और लोड रीसेंट करके यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस मैंने कुछ ले लिए हैं, जो बनाने के लिए कुछ उसका रेफरेंस चाहिए था मैंने उसके लिए लिए हैं। अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो एकदम पूरा ब्लैंक रहेगा। लेट्स से मैं यहाँ से न्यू सीन लेता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, कुछ ऐसा रहेगा। और आपको अभी रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो इस विंडो को मूव करने के लिए राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करने से ये पूरा का पूरा विंडो मूव होता है। यहाँ से उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझो मुझे इतना रखना है, मैं साइड पर रखता हूँ। आई कम इन पिंटरेस्ट। जनरली हम पिंटरेस्ट, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो पिंटरेस्ट बहुत इस्तेमाल करते हैं और पिंटरेस्ट से ही अपने को भेजते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम ट्रैक कर सकते हो। लेट्स से अपने को ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ से ट्रैक कर दो तो यहाँ पे लोड हो जाएगा। फिर और एक चाहिए, ड्रैग कर दो। ओके, तो एक साथ हम ड्रैग करके हम उसको रख सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कि ये एक चीज़ है, मैंने इसको एक स्टैक बनाया
और फिर उसको टेक्स्ट ले सकता हूँ एल से कंट्रोल एन, तो यहाँ पे मैं उसको टेक्स्ट दे सकता हूँ माय क्लाइंट। ओके, तो जैसे मैं ये इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये उसके साथ जा रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ हम इसको स्टैकअप करके रख सकते हैं कि इधर अपने को ये चाहिए, ठीक है। फिर किसी दूसरे इसमें, जैसे कि अभी मुझे इसका रेफरेंस चाहिए किसी दूसरे क्लाइंट के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, ओके, और यहाँ से स्टैक कर लूँगा, राइट। अभी क्या होगा, जैसे कि मुझे अभी 3D Max में अभी मुझे इसका रेफरेंस लेना है, ठीक है ना, तो लेट्स से मैंने इसको जूम किया और इसको मैं यहाँ से छोटा कर लिया। मैं 3D Max में जाता हूँ और इस विंडो को मैं कहीं भी रख सकता हूँ और हमेशा अपने आँखों के सामने ये अपना रेफरेंस रहेगा। मैं इसको जूम करके भी रख सकता हूँ ना, ऐसे करके यहाँ से रख सकता हूँ। अगर तुम चाहे तो तुम इस व्यूपोर्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो इस वाले व्यूपोर्ट में तुम उसको ऐसा ड्रैग करके रख सकते हो। तुम यहाँ, तुम्हारा काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है और तुम यहाँ से उसको रेफरेंस करके देख सकते हो। तो ऐसे बहुत बार होता है, जैसे कि मुझे अभी कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं, लेट्स सी, मुझे यहाँ पे कुछ इसको ब्लैक एंड वाइट करना है या तो इसको फ्लिप करना है, मतलब वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो जनरली हम किसी इमेज में डायरेक्टली हम पिंटरेस्ट में भी नहीं कर सकते या तो कोई दूसरे साइट पे वो चीज़ कर नहीं सकते। हमको फोटोशॉप में जाना पड़ता है, उसको कटिंग करना पड़ता है, उसको ग्रेस्केल करना पड़ता है, बट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमको अलग से फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको सेव करने का काम अपना बचता है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट और जी, राइट। सो कंट्रोल ऑल्ट और जी अगर करेंगे तो वो ग्रेस्केल हो जाता है। अगर समझो एक खाद मुझे इमेज को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह सेव करना है, तो कंट्रोल ई कर दो तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस इमेज को सेव कर सकते हैं, अलग सीन को अगर सेव करके रखना है तो। वैसे उसको ज़रूरत नहीं पड़ती बट ये अगर उसमें से कोई सीन करना है तो, ओके। और सभी इमेजेस को करना है तो कंट्रोल ऑल्ट आई कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और आई, तो सारे के सारे इमेजेस एक फोल्डर में सेव हो जाएंगे। और हाँ, इसके अगर तुमको शॉर्टकट्स और देखने हैं तो उसके वेबसाइट पे अगर तुम सपोर्ट पे जाओगे तो नीचे पूरे आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे। इसमें से कई शॉर्टकट्स मैं यूज़ करता हूँ, मतलब 3-4 शॉर्टकट्स ही यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, उतने कुछ याद नहीं रहते और अपने लगते नहीं हैं, बट अगर तुमको वो चीज़ करना है तो वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अलाइन कुछ करना है, यहाँ से यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट से तुम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, एक सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देन अरेंज करना है तो कंट्रोल अप एरो करेंगे तो ये पूरा अलाइन हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे इमेजेस होते हैं, लेट्स से मैं और बहुत कुछ इमेजेस लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से मुझे कुछ यहाँ से लेना है, ओके, फाइन, ऐसे कुछ लेना है मुझे इमेजेस, मैंने उसको मल्टीपल सिलेक्ट किया, फाइन। और इसको या तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अलग से, सेम वही चीज़ है, कंट्रोल एक्स से कॉपी होगा, वापस दूसरी जगह पेस्ट होगा, वो तो नॉर्मल जो है, बट कंट्रोल अप एरो से पूरा वो अलाइन हो जाएगा। लेट्स से मैंने इसको 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 किया, इसको इसको कंट्रोल अप एरो से मैं एक इसमें अलाइन कर सकता हूँ। और देखा जाए तो देखो इतना फ़र्क पड़ता नहीं रेफरेंस में, अपना एक ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उतना कुछ मायने रखता नहीं है और इतना अरेंज करके कोई काम करता है नहीं। मैं तुमको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, उसमें से अपना एक चीज़ अच्छा हो सकता है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब समझो ये ब्लैक है तो ये ब्लैक को हटा कर हम इसको वाइट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है इसको हम
ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डार्क क्या होगा, ऑल्ट वन करके डार्क होगा, ऑल्ट थ्री करके ट्रांसपेरेंट होगा, देख रहे हो आप पूरा ट्रांसपेरेंट है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं उसको, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और ऑल्ट टू से ये वाइट हो सकता है, मतलब डिपेंड्स कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसका कलर तुमको मैच कर सकते हैं तो कर लो। जैसे कि मैं 3D Max में आता हूँ और 3D Max में मुझे समझो कुछ मैं राइट क्लिक से मूव कर रहा हूँ और ऑल्ट थ्री से मैंने उसको ट्रांसपेरेंट किया और मुझे खाली इसका ही रेफरेंस चाहिए और मैं इसको यहाँ से छोटा करके रख सकता हूँ तो खाली मुझे इमेजेस ही दिखेंगे, फाइन। तो और कुछ नहीं दिखेगा, मुझे खाली उसका इमेज दिख रहा है और मैं उसको मूव कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जाके मूव रख सकता हूँ और ये यहाँ से रेंज हो गया, फाइन। मतलब उसका पूरा अपने को पूरा वो जो कैनवास है उसका नहीं दिखता, लेट से मैंने अगर यहाँ से बढ़ाया तो भी वो नहीं दिख रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, ओके। तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है शुरू में ट्रांसपेरेंट की वजह से, फिर बाद में वापस ऑल्ट नॉर्मल ऑल्ट फोर दबाने से नॉर्मल हो जाएगा। कहना मेरा ये है कि इसको तुम यूज़ करो, बहुत अच्छा टूल है, मतलब इसको क्या बोलते हैं ना, बहुत ही अंडररेटेड टूल है, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है और इसके लिए शायद इसको इतना ये नहीं मिला है जितना उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अगर तुम यूज़ करोगे और तुम यूज़ करके देखोगे तो पता चलेगा कि अपना प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गया है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही बोलना था, आपको कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए मुझे नीचे कमेंट में डाल देना, वो टॉपिक लेके मैं पक्का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन, एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।